आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। दुनिया भर के शरणार्थियों का सम्मान और सहानुभूति के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2000 में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का फैसला लिया था। तब से प्रत्येक साल यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय शरणार्थियों में पाकिस्तान से भारत आए सिंधी समाज की भी संख्या बहुत अधिक है। पाकिस्तान में हिंदू होना ही बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में वहां पर सिंधी समुदाय के लोगों को सामान्य जीवन जीने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में आज भी अल्पसंख्यक हिंदू समाज की हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधियों की प्रॉपर्टी के खरीदार नहीं बेशकीमती जमीन जायदाद ऐसे ही छोड़कर आना पड़ रहा है। बैंक में पैसा जमा करने वाले लोगों को लूट लिया जाता है, बालिकाओं को उठाकर ले जाते हैं, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विश्व शरणार्थी दिवस पर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में सिंधी समाज की प्रमुख पूज्य जैकबाबाद पंचायत के अध्यक्ष श्री राजा मानवानी ने मीडिया से चर्चा की। चर्चा के दौरान राजा मानवानी ने कहा कि पाकिस्तान छोड़ भारत आए पाक विस्थापित परिवारों को नागरिकता पाने के लिए शुरुआत में लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब मोदी सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता आसानी से मिल रही है। इंदौर में भी हजारों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। श्री मानवानी ने बताया कि पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए देश में CAA कानून लागू किया गया है। इसमें दिसंबर 2014 के पहले भारत आए सभी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसके पहले 2016 में स्थानीय कलेक्टर को नागरिकता देने के पावर हस्तांतरित हुए थे। इंदौर में 2018 से लेकर 2024 तक 1818 लोगों को जिला प्रशासन द्वारा नागरिकता दी जा चुकी है। इससे पहले नागरिकता के प्रकरण दिल्ली भेजे जाते थे। पूज्य जैकबाबाद पंचायत के अध्यक्ष श्री राजा मानवानी का कहना है कि CAA कानून बहुत अच्छा है, किंतु इसमें कुछ संशोधन भी होना चाहिए, क्योंकि CAA में दिसंबर 2014 तक भारत आए नागरिकों को नागरिकता दी जा रही है, जबकि इसके बाद के 10 साल में इंदौर में ही 8000 विस्थापित आ चुके हैं जो परेशान हो रहे हैं। उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और पासपोर्ट की तारीख भी खत्म हो रही है। CAA कानून का सरलीकरण किया जाए तथा इसमें वर्ष 2014 की बाध्यता समाप्त करते हुए वर्तमान समय तक आने वाले सभी विस्थापितों को नागरिकता प्रदान की जाए, जिससे भारत में विस्थापित जन यहाँ का नागरिक बनकर व्यवस्थित जीवन यापन कर सके। आज विश्व शरणार्थी दिवस है, क्या कहना चाहेंगे विश्व शरणार्थी दिवस पर? भारत में शरणार्थियों की क्या स्थिति है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, शरणार्थी की जो पीड़ा होती है वो मेरा ख्याल है सिंधी से ज्यादा कोई बेहतर नहीं समझता, क्योंकि मैं शुरू की पार्टीशन की बात करूँ तो पार्टीशन के टाइम पे जब बंटवारा हो रहा था तो गुजरात वहाँ भी दिया गया, यहाँ भी दिया गया, बंगाल वहाँ भी दिया गया, यहाँ भी दिया गया, पंजाब वहाँ भी दिया गया, यहाँ भी दिया गया, सिर्फ सिंध वहाँ रह गया। तो जैसे पार्टीशन से पहले सिंधियों के साथ साथ सिख बरादरी भी वहाँ बहुत रहती थी, तो सब के सब यहाँ इसलिए आ गए, यहाँ उनको प्रांत मिला। अगर हमें भी उस वक्त प्रांत मिलता तो हमारे सब भाई भी वहाँ आ जाते, मगर दुख की ये बात है उस वक्त प्रांत नहीं मिलने से हमारा मुकद्दर बना, जो सिंधी जो हमारे बड़े जो लाए थे कैंपे, कोई किस कैंप में रहे, उन्होंने बहुत तकलीफें देखी। तकलीफ देखने के बाद छोटे छोटे काम करके काफियाँ करके उनका उत्थान हुआ, आज वो अपने सक्षम लोग हैं, मगर तकलीफें पार्टीशन से शुरू हो गई थी हमारे सिंधी समाज के लिए खास करके। आप जो है पाकिस्तान में रहे हैं, आप वहाँ पर आप पायलट भी थे, एयरलाइन ऑफिसर था। जी, आप ऑफिसर थे वहाँ पे। उसके बाद में आप भी भारत आए हैं, क्या क्या देखते हैं, कितना बदलाव आप देखते हैं वहाँ? देखिए, वहाँ पे धार्मिक लेवल पे बहुत तकलीफ है, हम खास करके हिंदुओं के लिए, हम जो वहाँ जो भी रहते हैं, चाहे बलोचिस्तान में रहें या पंजाब में रहें या सिंध में रहें, हैं तो हिंदू ही वहाँ, जो हिंदू रहते हैं उनको धार्मिक तौर पर बराबर किया जाता है कि आप कन्वर्ट हो, हमारे पास वो प्रेशर हमेशा रहता है। तो हम जो वहाँ जो रहते हैं वहाँ हम सब कुछ कुर्बानी देने को तैयार, हम धर्म मिटाने को तैयार नहीं रहते, इसीलिए अगर हम धर्म आएँ तो हमें और फैसिलिटी मिलती है, वो फैसिलिटी भी छोड़ के अपना बिजनेस, जैसे मैंने एयरलाइन जॉब छोड़ा, इसी तरह हर कोई अपना बिजनेस फैक्ट्री किसी फैक्ट्री देखिए सब छोड़ के यहाँ आते हैं, सिर्फ ये कि धर्म हमारा बचा रहे। यहाँ आने के बाद हमें भारत माता अपने आंचल में जगह देती है, हम बार बार ये धन्यवाद कहते हैं कि भाई हम वापस अपने देश आ गए। बस इधर आने के बाद कुछ तकलीफें भी होती हैं, जैसे शरणार्थी कोई माइग्रेशन पहले हो जाता आते ही उनको नागरिकता प्रदान की परमिट दी जाती थी, मगर 85 के बाद सिलसिला हमें फिर नागरिकता के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, प्रोसेस ये होता है 7 साल रहने के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है
उसे अप्लाई करते कर सकते हैं। उसके बाद मिलती किसी को 10 साल में, किसी को 15 साल में, उस बीच में जो 10-12 दिन रहता है हमें बहुत सारी सहूलतें नहीं मिलती हैं, जैसे राशन कार्ड नहीं बना सकते हैं, और कोई जैसे शरणार्थियों को प्लाट दिया जाता है हम वो कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, तो बच्चों की एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं होती जब तक आधार कार्ड मिले या पासपोर्ट बने यहाँ का या नागरिकता मिले, तो बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता। फिर भी हम यहाँ, हमारा धर्म अपना सेफ है, महफूज है, तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट की हम हमेशा तारीफ करते हैं कि जो भी नियम है, जो भी व्यवस्था है, इसके बावजूद हमें यहाँ अपनाया जाता है। जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो भारत आना चाहते हैं, विशेषकर सिख समुदाय के लोग, बाकी उन्हें प्रॉपर्टी बेचने में बड़ी परेशानी आती है, प्रॉपर्टी की सही कीमत भी नहीं मिलती है, क्या कहना चाहेंगे? वही हमें जो है ना, वही हम मैंने पहले बोला, हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। प्रॉपर्टी हम आधे भाव में बेचते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर नए देश में बसना। आप ही, मैं तो मिसाल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे शॉप अगर यहाँ सपना संगीता रोड पे, अगर मैं R&D रोड मार्ग में चला जाऊँ, साल भर मुझे तकलीफ होगी। ये तो नया देश उनके लिए नए, मगर हम धर्म बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। फिर यहाँ आते हैं तो जब अपने हर कोई अपना बिजनेस वगैरह करता है, जो भी गुजारा करता है। मौजूदा सरकार जो है वो नागरिकता कानून को सरल करने की कार्य कर रही है, और CA जैसे कानून भी बनाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे BJP गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने सी का कानून लागू किया है, और उसमें सिर्फ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, उसमें एक विसंगति है हमारे लिए कि 31 दिसंबर 2014 से जो पहले आए उनको CA के बेस पे नागरिकता मिल जाएगी, बाकी वो अपने प्रोसेस। तो हमारे BJP गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसमें डेट का वो ख़त्म किया जाए, जैसे 2015 से जो बाद में आए, क्यों 2014 से पहले की बात है तो CA में तो वो पैदा हुआ तो 95% लोगों को नागरिकता मिल चुकी है, बहुत कम लोगों को फ़ायदा मिलेगा अगर हम इस डेट हटा जाएंगे। अब 2015 से बाद अभी तक जो आए हैं उनका क्या होगा? उनको वही लेंथी प्रोसीजर गुजरना पड़ेगा। हमारा ये निवेदन है, इतनी आपने मेहरबानी करी, क्योंकि हम जब सुषमा स्वराज जी फॉरेन मिनिस्टर थी तो हम उनके पास भी गए थे, मतलब उन्होंने बोला था कि हिंदू हिंदुस्तान नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जैसे जिस भी हिंदू को तकलीफ हो। इसी तरह मोदी जी भी यही कहते हैं, हमारा हमेशा भी यही कहते हैं अमित जी। तो हमारा ये कि उसमें एक विसंगति हो गई है, अगर उसको डेट को निकाला जाए तो जो 15-14 के बाद जो जाएँ उनको ही फ़ायदा मिलेगा। तो और साथ में हम ये निवेदन करते हैं कि हमारे उधर वीज़ा थोड़ा डिफिकल्ट मिलती है, तो वहाँ वीज़ा को सरल किया जाए, जो बाकी जो हिंदू हो जहाँ जैसे आ सकते, जो हमारे BJP गवर्नमेंट का एक एजेंडा है जो वोट पर। आप जो है पूज्य जेकोबाद पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, शहर के सांसद भी जो है वो सिंधी हैं और शंकर ललवानी के सांसद हैं, तो क्या आपके मन में क्या विचार है और किस तरह से चर्चा हुई है इस विषय को लेकर? मेरे सांसद जी से शंकर यादव बातचीत हुई इस विषय में, उन्होंने बोला ठीक है अभी ये शपथ वगैरह का प्रोसेस हो जाए, हम दिल्ली में ये बात उठाऊंगा और इसको सरल कराने की कोशिश करूंगा। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।